नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ऑनलाइन ड्राइंग। तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चित्र बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर चित्र बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर हमने पहले से ही एक पेंसिल की हेल्प से सर्किल बनाया है और ऊपर के साइड में डबल लाइन ड्रॉ किया हुआ है। आप भी इस तरह बना लीजिएगा। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब देखिएगा, पहले आपको करना क्या है, सर्किल के ऊपर यहाँ पर एक ओवल शेप बनाना होगा। इधर ऐसे ले जाइएगा नीचे के साइड में, फिर आपको नीचे के साइड में ऐसे डबल करना होगा। इसको आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद एक छोटा सा हाफ सर्किल यहाँ पे बनाइएगा। एक हाफ सर्किल हम इधर ऐसे बना देंगे। हाफ सर्किल बनाने के बाद इस हाफ सर्किल को आप यहाँ पे ऐसे सर्किल के साथ टच करिएगा। इसी तरह सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर देंगे। इसको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद अब आप नीचे वाले हिस्से को थोड़ा डार्क कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। यह हमारा मटका बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा हाफ सर्किल करिएगा और इसको हम ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको छोटे छोटे बहुत ही आसानी से सर्किल बनाने होंगे। फोर सर्किल बनाइएगा। सर्किल बनाने के बाद अब आप ऊपर के साइड में जो हमने यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ किया हुआ था, इसको पहले तो आप डार्क कर दीजिएगा। यहाँ से ऐसे ले जाइए। और दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद एक लाइन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिएगा, यहाँ पर आपको एक हाफ सर्किल बनाना हाफ सर्किल नहीं, पूरा सर्किल बनाना होगा और ऊपर के साइड में छोटे छोटे ऐसे सर्किल बना दीजिएगा। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान श्री कृष्ण जी की जय जरूर लिखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ तक तो हो गया हमारा। यहाँ से आप ऐसे डबल करिए। डबल करने के बाद एक लाइन इधर ड्रॉ करिए, छोटी सी, एक बड़ी, एक और इससे हम बड़ी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से आप बीच से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ से ऐसे नीचे के साइड में ले जाइएगा। ये हमारा मटका बांसुरी में टंगा हुआ रहेगा। फिर नीचे के साइड में आप छोटे छोटे सर्किल बनाइए। इसी तरह थ्री सर्किल आप यहाँ पे भी बना लीजिएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा बनने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। अब आपको नीचे के साइड में भी छोटे छोटे सर्किल बनाने होंगे। फोर सर्किल बनाइए, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करिएगा, यानी कि फाइव सर्किल बना दीजिएगा और इधर थोड़ा सा छोटा कर दीजिएगा, यानी कि फोर सर्किल आपको बनाना होगा। इसको थोड़ा सा हम और ऊपर के साइड में कर देते हैं। फिर नीचे के साइड में आपको मोर का पंख बनाना होगा, यानी कि पहले तो आप लिप्स बनाइएगा, डबल करिए। इधर से भी आप ऐसे डबल करिएगा। डबल करने के बाद छोटी छोटी लाइनें आप ऐसे थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी रैंडमली आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। अभी हम आपको इसको कलर भी करके दिखाएंगे, तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा बनने वाला है। अब आप देखिएगा, यहाँ से हल्का सा हाफ सर्किल बनाइएगा, थोड़ा बड़ा बनाइएगा। इसको ऐसे डबल करिएगा। डबल करने के बाद नीचे के साइड में यहाँ से ऐसे ले जाइए। फिर आपको इसको थोड़ा सा पतला करना होगा, नीचे के साइड में थोड़ा सा बड़ा करिए और यहाँ पर लाकर ऐसे मिला दीजिएगा। इधर डबल कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए, इसको अब हम कलर भी करना सीख लेते हैं।